ईश्वरात् ईश्वरात् अन्यस्य आत्मनः असत्वात् ईश्वरस्य एव विरुद्धलक्षणत्वम् अयुक्तम् इति चेत् सुखदुःखादियोगस्य न निमित्तत्वे सति लोकविपर्यय अध्यारोपणात् सवितृवत् यथा हि सविता नित्यप्रकाशरूपत्वात् लोकाभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति निमित्तत्वे सति लोकदृष्टि विपर्ययेण उदयास्तमय अहोरात्रादि कर्तृत्व अध्यारोप भाग भवति एवं ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे लोकज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्तत्वे सति लोक विपरीत बुद्धि लोक विपरीत बुद्ध्याध्यारोपितं विपरीत लक्षणत्वं सुख दुःखादयश्च न स्वतः आत्मदृष्टि अनुरूप अध्यारोपाच्च यथा घनादि विप्रकीर्णे अंबरे येन एव सवितृ प्रकाशो न दृश्यते स आत्मदृष्टि अनुरूपम् एव अध्यस्यति सविता इदानीम् इह न प्रकाशयति इति सति एव प्रकाशे अन्यत्र भ्रांत्या एवं इह बौद्धादि वृत्ति उद्भव अभिभव आकुल भ्रांत्या अध्यारोपितः सुखदुःखादि योगः उपपद्यते तत्स्मरणाच्च तस्य ईश्वरस्य एव हि स्मरणं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च नागत्ते कस्यचित् पापम् इत्यादि अतः नित्यमुक्ते एकस्मिन् सवितरि इव लोकविद्या अध्यारोपितमीश्वरे संसारित्वम् अतः नित्यमुक्ते एकस्मिन् सवितरि इव लोकाविद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारित्वम् शास्त्रादि प्रामाण्यात् अभ्युपगतम् असंसारित्वम् इति अविरोध इति एतेन प्रत्येकं ज्ञानादिभेदः प्रति उक्तः सौक्ष्म्यचैतन्यसर्वगतत्वादि अविशेषे च भेदहेत्वभावात् विक्रियावत्त्वे च अनित्यत्वात् मोक्षे च विशेष अनभ्युपगमात् अभ्युपगमे च अनित्यत्वप्रसंगात् अविद्यावत् उपलभ्यत्वाच्च भेदस्य तत्क्षये अनुपपत्तिः इति सिद्धं एकत्वं तस्मात् शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदना संतानस्य तस्मात् शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदना संतानस्य अहंकार संबंधात्
अज्ञान बीजस्य नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य आत्मतत्व याथात्म्य विज्ञानात् विनिवृत्तौ अज्ञान बीजस्य विच्छेदे आत्मनः मोक्ष संज्ञा विपर्यये च बंध संज्ञा स्वरूप अपेक्षत्वात् उभयोः स्वरूप अपेक्षत्वात् उभयोः ब्रह्मः इति ऐतिह्य अर्थः सो अंतिम जो पूर्व पक्ष है वो ये है कि आत्मा के रूप में अंतरात्मा के रूप में यदि ईश्वर का प्रतिपादन होगा तो उस आत्मरूप ईश्वर में संसारित्व अथवा जीव धर्मों का संश्लेष मानना पड़ेगा। ईश्वर विकारों से मुक्त है तो ईश्वर सुख दुख आदि से निर्लिप्त है, नित्य ज्ञान है, नित्य शक्ति है, बिना कर्तृत्व के विकार के ही जिसमें कर्म सिद्ध हो जाते हैं, जो नित्य मुक्त है, जो नित्य शुद्ध है, ऐसा एक ईश्वर है जो जीवों से अन्य है, जीवों से भिन्न है। श्रद्धा से, शास्त्र से इस बात को स्वीकार करना फिर भी सरल है। जीव में कर्तृत्व मालूम पड़ता है, जीव में विकार मालूम पड़ता है। ये जो अहम है इसमें सुख का संयोग मालूम पड़ता है, जब उसको अनुकूलता की प्रतीति होती है, अनुकूलता की अनुभूति होती है, तब ये अहम सुखी होता है, ये अनुभव में है। जब उसको किंचित प्रतिकूलता की प्रतीति होती है तो इसी अहम के साथ दुख का संयोग होता है। तो दुख का संयोग, सुख का संयोग, परिवर्तन की अनुभूति, संसरण की अनुभूति, अहम में एकरस ज्ञान के अभाव की अनुभूति, अहम में एकरस शक्ति के अभाव की अनुभूति जीव को होती ही रहती है। अगर उसका ध्यान अहम के ऊपर जाए तो उसको बराबर ये मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर एक भोक्ता है, एक कर्ता है, और वह भोक्ता अनुकूलता में सुखी हो रहा है और प्रतिकूलता में दुखी हो रहा है। उस भोक्ता अथवा कर्ता में कभी शक्ति बल मालूम पड़ता है, कभी निर्बलता मालूम पड़ती है, कभी ज्ञान में तेजस्विता है, उपलब्धता है,
कभी ज्ञान विलुप्त होता हुआ दिखाई देता है, निस्तेज ज्ञान है, ग्रहण शक्ति की न्यूनता दिखाई देती है, कभी कभी तो ग्रहण शक्ति का अभाव भी दिखता है, तो किसी समय उसी पेज को, उसी विषय को पढ़ते ही उसका अर्थ ग्रहण हो जाता है और किसी समय उसी को पढ़ने पर कुछ ज़्यादा ग्रहण होता नहीं। यह जो जीव की अपने बारे में अनुभूति है, इस मैं को लेकर के अनुभूति है, और यह जो मैं नाम की चीज है, यही तो सर्वांतर है, यही तो सबके भीतर अनुभव में आने वाला अस्तित्व है। यही ज्ञाता है, वृत्तियों का ज्ञान भी इसी को होता है, मेरी ऐसी वृत्तियां हैं, मेरे मन में इस समय श्रद्धा है, मेरे मन में इस समय उदात्तता है, मेरा मन आनंद में है, तो मन की दशाओं का जो ज्ञाता है वो भी ये मैं ही है, और यह जो मैं है, यह है तो सही, विज्ञान रूप है ये भी ठीक है, लेकिन इस मैं में फिर जो विकार है, इस मैं में जो सुख दुख का योग होता रहता है, ये तो उसकी समस्या है। तो अगर तो ईश्वर आत्मभूत है, आत्मा से अभिन्न है, तो उसमें भी कहीं न कहीं, अगर वो संसारी से भिन्न नहीं है, अगर वो जीव से बिल्कुल भिन्न नहीं है, सच आत्मभूतः सर्वस्य, वो सभी का आत्मभूत है, अगर ये बात शास्त्र कह रहा है, तो उसमें जो विकार की सिद्धि सी हो रही है, तो उसका निराकरण कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि उसमें विकार है नहीं लेकिन विकार की प्रतीति हो रही है। तो अध्यास को समझने के लिए जो तरीका है वो तो यही है कि अधिष्ठान का स्वरूप समझ में आना चाहिए। अधिष्ठान का स्वरूप जितना अच्छी तरह से समझ में आएगा तो अध्यास वस्तु अध्यास के रूप में सिद्ध हो जाएगी। आकाश को जो लोग समझते हैं वही ये समझ सकते हैं कि नीलिमा अध्यास रूप है। जो लोग आकाश को नहीं समझते हैं उनको नीलिमा का अध्यास रूप समझना कठिन है। जो लोग तो रज्जु को समझते हैं तो उन्हीं को ये समझ में आता है कि जो प्रतीत होने वाला पहले का सांप है वो अध्यास रूप होता है, प्रातीतिक था, मिथ्या था, फिर वो क्यों प्रतीत हुआ रज्जु में, इसकी व्याख्या भी उनको प्राप्त हो जाएगी। अंधेरा था, दूरी ज्यादा थी,
अथवा मेरे चित्त में डर था ये अथवा मेरे नेत्र में कोई दोष है, प्रमाता में दोष है, प्रमाण में दोष है, और प्रमाण के जो सहकारी साधन हैं उनमें दोष हो सकता है, तो वो व्याख्या उसको बाद में मिलेगी। जैसे आकाश को अगर किसी ने ठीक से जान लिया तो इसके बाद उसको ये व्याख्या प्राप्त हो सकती है कि अगर आकाश में नीलिमा नहीं है तो आखिर वहाँ नीलिमा क्यों दिखती है, ये व्याख्या उसको मिल जाएगी। ये एक फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, प्रकाश की लीला है। ये व्याख्या विज्ञान ने दी आखिर कि आकाश में नीलिमा कैसे प्रतीत होती है। जल में नीला रंग न होने पर भी विस्तृत जल में नीलिमा प्रतीत होती है। तो पहले तो जल को रंगहीन किसी ने जान लिया हो, फिर वो कहेगा कि जल रंगहीन है, रंग रहित है, फिर इसमें नीला नीला क्यों दिखता है, ये व्याख्या उसको बाद में मिलेगी। लेकिन जो भासने वाली जल में नीलिमा है वो मिथ्या है, वो नहीं होते हुए भास रही है वहां पर, यह बात तभी पता चलती है जब अधिष्ठान के स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए चित्त सुखाचार्य जी, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चित्त सुखी, बृहत प्रस्थान त्रयी में विद्वान लोग उसको पढ़ते हैं। एक तो प्रस्थान त्रयी है जिसमें उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता की गणना होती है, और एक बृहत प्रस्थान त्रयी है उसमें चित्त सुखी और अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड, खाद्य, ये ग्रंथों का भी संग्रह होता है। वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, माने जो बिल्कुल ही विद्या के रसिक लोग हैं और जिनका जिनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी हो गई, व्याकरण आदि का, न्याय आदि का भी गंभीर ज्ञान जिसको है, वो लोग फिर उन ग्रंथों में प्रवेश पाते हैं। जो चित्त सुखाचार्य जी ने एक बात बड़ी साफ शब्दों में कही कि चाहे जितनी मर्जी कोई विचार कर ले, लेकिन जो मिथ्या है उसका मिथ्यात्व तो सिद्ध होता है अधिष्ठान ज्ञान से ही। रज्जु पर प्रतीत होने वाले सर्प का अनौचित्य चाहे जितना सिद्ध कर लो बौद्धिक रूप से, कि यहाँ सर्प कैसे हो सकता है, यहाँ तो लोग इतने आते जाते हैं, इतनी सफाई है, ये तो चारों ओर से कमरा बंद है, माने उसका होना संभव नहीं है, ये विचार से चाहे आप सिद्ध कर लो, लेकिन फिर भी जो हृदय में भय है ना वो जाएगा नहीं, कहेगा अच्छा भाई अब तुमने सिद्ध कर लिया कि सर्प मिथ्या है, अब जाओ उसके पास। बोले विचार से सिद्ध हुआ है ना, देखो। तो इसीलिए जो बहस है, जो 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 तर्क वितर्क है, अगर उसके पीछे अधिष्ठान ज्ञान का समर्थन न हो तो बहुत देर तक साथ नहीं देती। वेदांत के हम साधकों में भी ऐसा होता ही रहता है, तो शरीर नहीं है ये बात कहने के लिए हमारे पास तर्कस में कई तीर आ गए मानो, तो सिद्ध करने के लिए हमारे पास कई विचार हैं,
शरीर का मैं होना किस प्रकार से अनुचित है, ये बात बार 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 सिद्ध की जाती है। लेकिन फिर उसका मिथ्यात्व तो बस वो बहस के समय होता है, चर्चा के समय होता है। बाद में क्या, उस समय भी उसमें अहम बुद्धि का निरसन नहीं होता। इसी तरह से बुद्धि में जो अहम बुद्धि है, बुद्धि माने बुद्धि के धर्मों में, तो उसका हम निषेध भी करें, विज्ञानमय कोष के धर्मों का आत्म धर्मों से निषेध भी करते हैं, तो भी वो फिर लगा रहता है। सो स्वरूप की चर्चा, स्वरूप का बोध, स्वरूप की प्रमाण के अनुसार अनुभूति होवे और तब बुद्धि पृथक भासे, देह धर्म पृथक भासे, ये तो बिल्कुल अंतिम साधन है, इसके बिना बात बनती नहीं है। तो फिर ये अहम में कैसे भास गया, इसकी व्याख्या फिर बाद में मिल जाती है। यही भाष्यकार ने कहा कि यह जो आत्मदेव में संसारित्व की कल्पना हो रही है, आत्मा में जो सुख दुख आदि का योग हो रहा है, ये अध्यारोप के कारण हो रहा है। यानी ये बात कहने के लिए पहले आत्मा सुख दुख निर्लिप्त है यह ज्ञान होना चाहिए। यानी नीलिमा को अध्यारोप कहने का साहस वही कर सकता है जो आकाश को रंग रहित पहले समझता हो। नहीं तो धर्म रूप से ही वो लगती है। तो सुख दुख अध्यारोपित हैं, यह बात भाष्यकार ने कही। उसका अभिप्राय क्या हुआ कि स्वतः स्वरूपतः आत्मचेतन सुख दुख से बिल्कुल रहित है, निर्लिप्त है, विकार से परिवर्तन से बिल्कुल रहित है, फिर भी उसमें ये भासता है, इसको हम नकारेंगे नहीं। अहम में ही फिर संसारित्व भासता है, अहम में ही कर्तृत्व भासता है, दृष्टा सुख दुख से निर्लिप्त है, माने वृत्तियों को जानने वाला, दृष्टा माने वृत्तियों को जानने वाला, सर्व प्रत्यय साक्षी। तो आपने आत्मा शब्द का लक्षण पढ़ा शुरू में, बौद्धाः प्रत्ययाः विषयाः भवन्ति यस्य स आत्मा। तो वृत्ति किसके विषय बन रहे हैं? अगर इस लक्षण को घटाया जाए तो वृत्ति, हमारी वृत्ति किसी और को थोड़ो मालूम पड़ती है। ने आत्मा कहने से मानो कोई अगर अपने से भिन्न की बात हम कहने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे चित्त में ये विचार उठा, ये किसने जाना? मैंने जाना, और कौन जानेगा? तो वो लक्षण अगर इसमें घटाएंगे तो आत्मा शब्द का अर्थ क्या होगा? मैं, या तो वो लक्षण मत बनाओ। प्रत्ययः विषयः भवन्ति यस्य, तो मेरे हृदय में संशय हुआ, ये बात और कौन जानता है?
मैं ही जानता हूं। मेरे हृदय में इस समय प्रसन्नता है या उदासी है ये कौन जानेगा, कोई और जानता हो ये बात भी किसकी कल्पना है, मेरी। तो ये मैं तो सबसे केंद्र में बैठा है। हाँ ठीक है, और यह अहम कभी जड़ रूप से मालूम नहीं पड़ता, ये भी ठीक है, लेकिन इस अहम में सुख दुख का योग है, ये तो समस्या है। इस अहम में विकृत होने का बोध होता है, इस अहम का ज्ञान, इस अहम की शक्ति एक रस नहीं है ऐसा लगता है। तो ऐसी दशा में यही जो अहम अहम रूप से भासने वाली सत्ता है, यही परमार्थ सत्ता है, ये बात स्वीकार करना तो फिर से कठिन है। अब बड़ी समस्या है, किसी और को दृष्टा मानना वो कठिन है, क्योंकि किसी और को दृष्टा माने तो वो कोई बोल पाएगा, वो कल्पित सा हो जाता है, ऐसा मेरा भाव था। देखो ना, आप किसी और को दृष्टा मानो तो लगता है कि मैं उसकी कल्पना कर रहा हूं, कल्पक कौन है, मैं हूं। कोई कल्पित वस्तु दृष्टा होवे ये तो बात बिल्कुल ही गलत दिखती है, एटलीस्ट दृष्टा तो कल्पित नहीं होना चाहिए। दृष्टा नित्य अपरोक्ष होना चाहिए, ठीक, वो कल्पना का विषय नहीं है, कल्पना का साक्षी है ये बोला जाता है। तो एक तरफ ये है कि किसी और को दृष्टा मानना ये कठिन लगता है, और दूसरी तरफ अगर मैं को दृष्टा माने तो उसमें संसारित्व आता है। ये तो आप देखते ना, समस्या कहाँ गई, साधक की समस्या यहाँ पर है। इधर जाएं तो कुआं है, इधर जाएं तो खाई है, और बस इसको लेकर के फंसा हुआ है। भाष्यकार कहते हैं, देखो भाई, दृष्टा को परोक्ष तो न बनाओ, कम से कम अन्य तो न बनाओ, ये तो बात गलत हो जाएगी। फिर अपरोक्ष है तो उसमें सांसारित्व तो मालूम पड़ता है, बोले इसका खंडन करो, तुम अपरोक्षता को न छोड़ो, संसारित्व को काटो, देखो कि उसमें संसारित्व क्या उसका स्वाभाविक है या अध्यारोपित है। आया पकड़ में? अगर हमारे विचार में, हमारे निर्णय में, हमारी समझ में, हमारी प्रमा में यह बात बन जाए कि संसारित्व आभास रूप है, संसारित्व एक प्रतीति है, अहम में जो संसारित्व है वो एक अध्यारोप है, तो जैसे नीलिमा भासते हुए भी असत लगती है, वैसे ही अहम में संसारित्व जब भास रहा होगा उस समय भी वो असत ही लगेगा। अभी कैसा है, संसारित्व न केवल भास रहा है बल्कि सत्य रूप में भास रहा है, ये समस्या है। सत्यत्वेन भासते, सुख दुख का योग न केवल लग रहा है
बल्कि सच लग रहा है। ये सच में ही जो है विज्ञान रूप अहम सुखी हो गया, और सच में ही जो विज्ञान रूप अहम है वो दुखी हो गया। तो ये जो अहम में सुखित्व की अनुभूति है, दुखित्व की अनुभूति है, ये वास्तविक है या अध्यारोपित है, इस पर विचार होना चाहिए। आत्मा ही कोई और है ऐसा कहने में तो आप कल्पना के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। और किसी कल्पना को आत्मज्ञान नहीं बोलते। महर्षि पतंजलि ने भी इस बात को बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि जो वृत्ति सारूप्य को प्राप्त हो रहा है वास्तव में वही दृष्टा है। ये बड़ी मदद की बात है, ध्यान से देखना योग दर्शन को। इसमें क्या बोलते हैं वो, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये उनका बस इतना कहना है, देखो भेद का, अद्वैत वेदांत का और उनका यहां पर जो भेद है, भेद अनेक हो सकते हैं, इस बिंदु पर भेद उनका ये कहना है कि वृत्ति निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होगा, और जब वृत्ति निरोध नहीं होगा, इतरत्र, इतरत्र माने अन्यथा, अगर निरोध की अवस्था नहीं है तो वही दृष्टा वृत्ति सारूप्य भाव को प्राप्त होता है। वृत्ति सारूप्य माने क्या, वृत्ति का रूप अगर क्रोध का है तो दृष्टा का भी रूप क्रोध का हो जाएगा। सारूप्यम, वृत्ति का रूप अगर शांति है तो दृष्टा शांत रूप दिखाई देगा, लोभ है तो लोभी है, काम है तो कामी है, दया है तो दयालु है, धृति है तो धैर्यवान है, धीर है। मैंने दृष्टा का अपना फिर कोई स्वतंत्र रूप आपको मिलेगा नहीं। फिर क्या मिला, जैसी वृत्ति वैसा दृष्टा। तो हम अभी उधर नहीं जाते, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि वही सत्ता जो वृत्ति सारूप्य को प्राप्त हो रही है वही दृष्टा है। ये बात महर्षि पतंजलि ने कही। अब इसको वेदांत का साधक कैसे देखे, वेदांत का साधक ये उसको देखना है कि यह वृत्ति सारूप्य को प्राप्त नहीं हो रहा है बल्कि वृत्ति सारूप्य को प्राप्त सा हो रहा है। बस यह प्रमा उसके पीछे निरंतर होनी चाहिए। माने आकाश नीलिमा को प्राप्त हो गया ऐसा नहीं, बल्कि आकाश नीलिमा को प्राप्त सा हो गया, ये नीला सा हो गया। ये जो अन्यथा भास है ना, उसको अध्यारोप की श्रेणी में ले जाना है। ने जो अध्यारोपित है उसको अध्यारोपित जानना है। नीलिमा को हटा करके ही आकाश को हम नीलिमा रहित देखेंगे, ये मार्ग वेदांत का नहीं है। ऐसे तो फिर हटेगी भी नहीं। आपको देखो कैसे प्रसंग चल पड़ा। महर्षि पतंजलि ने वृत्ति निरोध माना है, चित्त निरोध कभी नहीं माना।
इसको ध्यान में रख लो, फिर कभी भी जब भी आप पढ़ोगे तो ध्यान जाएगा। योग चित्त वृत्ति निरोध, ये वृत्ति निरोध है। चित्तस्य वृत्तयः चित्त वृत्ति ही तेषां निरोधः, उन वृत्तियों का निरोध होगा, चित्त का नहीं। तो चित्त का क्या बनेगा फिर? वो तो नित्य ही है, चाहे वो निवर्तमान चित्त हो चाहे वर्तमान चित्त हो। चित्त की दो ही दशा बनी, वर्तमान माने व्यवहार करने वाला, और अभ्यास बल से आपने उसको उसका व्यवहार रोक दिया, उसको बोलते हैं निवर्तमान चित्त। पर चित्त तो चित्त ही है। जैसे आकाश में से नीलिमा नहीं हटाई जा सकती, वैसे ही फिर चित्त को भी नहीं हटाया जा सकता। ये देखो, सो लाभ बहुत है, लेकिन फिर विचार में वेदांत प्रमाण में वो बात बहुत दूर तक जाती दिखाई नहीं देती। वेदांत प्रमाण का ये कहना है कि संसारित्वम अध्यारोपितम, इस बात को समझना है। सुख दुख से जो निर्लिप्तता है वो इस बात को समझना है, उस समय भी जब योग उसका हो रहा हो तब भी। बोले ये अध्यारोप होता क्यों है? आखिर आकाश में नीलिमा दिखती है तो उसका भी कोई कारण होगा ना। आकाश भले ही नीलिमा रहित हो लेकिन दिखने का भी कोई कारण होगा। यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ये नहीं हो सकता कि एक चीज दिख रही है तो उसका कोई कारण नहीं है, ये नहीं बोल सकते। प्रकाश में अगर जल तरंग दिखती हैं, जल दिखता है, तो विज्ञान उसकी व्याख्या करेगा कि वो क्यों दिखती हैं। वो ये तो ठीक है कि प्रकाश में जल नहीं है, ये ठीक है, लेकिन प्रकाश जलवत क्यों दिखा, ये व्याख्या उनके पास है। आकाश नीला नहीं है फिर भी उसमें नीलिमा क्यों दिखी, ये व्याख्या उनके पास है। तो इसी तरह से आत्मा में संसारित्व नहीं है, अगर हम एक क्षण के लिए मान भी लें, तो फिर नहीं होने पर भी आत्मा में माने अहम में, सीधी बात, आत्मा कहने से कहीं फिर से कल्पना न करे कोई, हाँ, अहम में, जिस मैं को मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं उसी में संसारित्व क्यों दिख रहा है, सुख दुख का योग क्यों दिख रहा है, ये व्याख्या करनी पड़ेगी। भाष्यकार उसकी व्याख्या करते हैं, क्या बोले, निमित्तत्वात्, ये हेतु दिया, क्योंकि वह उसकी उपस्थिति में बुद्धि में अभिभव उद्भव ये होता है, बुद्धि के व्यवहार का नित्य विज्ञान चेतन, नित्य विज्ञान अहम रूप अहम निमित्त बनता है। उसी की उपस्थिति के कारण बुद्धि में व्यवहार संभव हो पाता है, अन्यथा तो बुद्धि जड़ है। तो बुद्धि में जो ज्ञान है, स्मरण है, अपोहन है, स्मृति है, विस्मृति है, वो संभव नहीं हो पाता अगर वहां पर आत्म चैतन्य नहीं होता। तो चूंकि वह निमित्त बन रहा है ना, इसलिए इस भ्रम को अवसर मिलता है
कि इसी के कारण हो रहा है तो ये इसी का है। जैसे दिन रात होने का निमित्त सूर्य बनता है तो निमित्त बनता है वो, लेकिन फिर इन्हीं का है ऐसा कोई आरोप कर सकता है भ्रांति से, माने जिसको विपरीत भाव बना हुआ है। ये बोलते हैं चूंकि लोगों के नजर में प्रकाश आता है और लोगों के नजर में प्रकाश का लोप होता है। जब प्रकाश आता है तो बोलते हैं दिन हो गया, और जब लोप होता है तो बोलते हैं रात हो गया। तो लोगों की उपलब्धि का हेतु और अनुपलब्धि का हेतु बन रहा है सूर्य, इसलिए उदय धर्मिता का आरोप सूर्य में लगा और अस्त धर्मिता का भी आरोप सूर्य में लगा। वास्तविकता यही है कि सूर्य प्रकाश रूप है, उसमें कभी प्रकाश का लोप हो जाता है यह होता नहीं, और लोप ही नहीं हुआ तो प्रकाश का उदय होता है यह भी हुआ नहीं। प्रकाश का लोप और उदय होता है हमारी आंख में, अभी प्रकाश है, अंधेरा हुआ तो प्रकाश का लोप हो गया, बस हो गया। तो प्रकाश का आविर्भाव तिरोभाव, प्रकाश का आना जाना हमारी अपेक्षा से है, बोले पृथ्वी की अपेक्षा से है, बोल सकता है कोई कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तो जो हिस्सा सूर्य के सामने आया वो तो दिन रात का हेतु पृथ्वी की घूमना है। अच्छा, आप न होए तो पृथ्वी घूमती रहे दिन आखिर दिन रात की जो उपलब्धि होगी अंत में वो किसको होगी? मुझे होगी ही, नेत्र वाले को ही होगी ना, वो पृथ्वी को थोड़ो होनी है। दिन शब्द पृथ्वी ने थोड़ो बनाया, इसलिए ठीक है पृथ्वी अपेक्षा होगी, पृथ्वी का घूमना उसका निमित्त होगा, लेकिन असली निमित्त तो फिर मेरे नेत्र ही हैं। जिनकी वजह से मैं ये कहता हूं कि प्रकाश का आविर्भाव हुआ तिरोभाव हुआ, आरोप कहां लगता है? सूर्य में। उदयस्तमय ऐसा शब्द हमने बोला, ये सूर्य कैसा है, उदय होने वाला है और अस्त होने वाला है, मयट प्रत्यय लग गया माने इसके साथ है वो, ये विकार है उसमें। और अहोरात्रादि अहोरात्र का करता है ये बोल दिया, अहोरात्रादि कर्तृत्व अध्यारोप भाग भवति। ये बोले इस तरह से, इसी तरह से आत्मदेव निमित्त होने के कारण कैसे हैं आत्मदेव? जैसे सूर्य है नित्य प्रकाश रूप, वैसे ही आत्मा है कैसा? नित्य विज्ञान शक्ति रूपे। ये तो बिल्कुल चिन्ह मात्र वो तत्व है, ऐसे अस्तित्व को आत्मा कहा जा रहा है जो केवल चिन्ह मात्र है, विज्ञान रूप है, चिन्ह मात्र है, चिन्ह मात्र है, लेकिन अपनी चिन्मयता के कारण, अपनी चिन्ह मात्रता के कारण ही बुद्धि के व्यवहार का निमित्त बन जाता है। क्या है बुद्धि का व्यवहार? बोलते हैं लोक ज्ञान अपोह, अपोह माने विस्मृति अज्ञान,
ज्ञान माने जानना और विस्मृति का अपोह माने उस ज्ञान का न होना, भूल जाना। तो अपोह शब्द गीता से भाष्यकार ने लिया, अभी उसका उद्धरण भी करेंगे। मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ये भगवान ने खुद ही कहा गीता में, स्वयं कहा मुझसे ही लोगों को ज्ञान होता है, अपोहन होता है और स्मृति होती है। ये मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, वो भाष्यकार ने वहां रखा। इसमें ये भी ध्यान गया होगा कि शास्त्र से कितना मिल के चलते हैं, अगर जरूरी नहीं हुआ तो अलग से शब्द भी देना नहीं है, वही शब्द उठा के दे देते हैं। कैसा बोलते हैं, लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्तत्वे सती, चूंकि यह चिन्ह मात्रता, यह चेतन अस्तित्व लोगों के ज्ञान और स्मृति और सुख दुख आदि जो बौद्धिक व्यवहार है उसका हेतु बन रहा है, निमित्त बन रहा है। निमित्त का अभिप्राय क्या बोलेंगे, जिसके बिना ये घटना नहीं हो सकती। जैसे सूर्य के बिना वो दिन रात आदि वाला मामला नहीं हो सकता, उसी तरह से जिस चिन्ह मात्र अस्तित्व के बिना बुद्धि के ये सारे व्यवहार नहीं हो सकते। तो वो निमित्त बन गया। निमित्त बनने से क्या हुआ, बोलते हैं लोक विपरीत बुद्धिया अध्यारोपितम विपरीत लक्षणत्वम, एक विपरीत बुद्धि जाग गई, भ्रम हो गया और उसी अहम में जो चिन्ह मात्र है, उसी अस्तित्व में, उसी अहम में, तो विपरीत लक्षणत्वम अध्यारोपितम है, वो चिन्ह मात्र असंग निर्लिप्त निर्विकार, और विपरीतता क्या है कि ये सविकार है, सलिप्त है। ज्ञान का कर्ता हो गया है कैसा, जैसे आकाश नीलिमा रहित है, अवकाश मात्र है, तो आकाश का स्वरूप बोलना पड़ेगा। सूर्य कैसा है, बोले नित्य प्रकाश रूप है, वो स्वरूप बोलना पड़ेगा। इसी तरह से आत्मा कैसा, नित्य विज्ञान शक्ति रूप है। अच्छा, फिर से शक्ति शब्द का उच्चारण हुआ, पहले भी शक्ति शब्द बोल चुके हैं, है ना। नित्य ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक नित्य नित्य शुद्ध नित्य मुक्त, ये चीजें बोला हुआ है। तो वहां नित्य शक्ति फिर से आती है, ये शक्ति शब्द से कई बार लोग मिसलीड होते हैं, पीछे भी मैंने व्याख्या की थी उसकी। वहां शक्ति का अभिप्राय है कार्य में कोई घटना घटते हुए हम देखते हैं तो अनुमान होता है कि इस काम करने की शक्ति उसमें होगी। जैसे दहन को स्वरूप भी बोल सकते हैं, उष्णता को, उष्णता अग्नि का स्वरूप है, लेकिन फिर दूसरा व्यक्ति बोल सकता है कि उसमें दहन शक्ति है। देखो क्यों शक्ति शब्द का उच्चारण किया, स्वरूप क्यों नहीं कहा, क्योंकि एक क्रिया हुई। क्या क्रिया हुई, दहन क्रिया हुई। तो जब आप क्रिया करोगे तब उसके संदर्भ में, माने क्रिया के संदर्भ में स्वरूप नहीं मन में आता, शक्ति आती है। ये उष्णता उसका स्वरूप है, उष्णता उसकी शक्ति नहीं है, है? उष्णता अगर उसकी शक्ति होती तो फिर अग्नि शक्तिमान होगा, है? आया पकड़ में।
तो उष्णता माने दहन उसकी शक्ति हुई, अग्नि उस शक्तिमान हुआ, तो वहाँ एक संबंध बना शक्ति शक्तिमान। अब जिज्ञासु क्या पूछेगा कि दहन तो उसकी शक्ति हो गई, उसका स्वरूप क्या है? तब क्या उत्तर देंगे? उष्णता। तो इसका मतलब है उसमें दो चीज है, एक उष्णता है, दहन शक्ति है। उष्णता उसका स्वरूप है और दहन उसकी शक्ति है, ऐसा तो है नहीं। जो उष्णता है दूसरे में उसी के कारण दहन क्रिया हो जाती है, वो क्रिया दूसरे में हुई, अग्नि में थोड़ो हुई। तो उस क्रिया को देख करके फिर से आरोप हुआ, देखो ये आरोप ऐसे होते रहते हैं, फिर से आरोप हो गया अग्नि में कि देखो वहां पर उष्णता तो स्वरूप होगा सो होगा, उसमें जलाने की शक्ति भी है। लो बुद्धि ने आरोप किया। इस तरह से चेतन में शक्ति शब्द का उच्चारण होता है और भाष्यकार स्वयं ही ये शब्द देते हैं, शक्ति दो बार दे चुके हैं। लेकिन उस शक्ति से हमको कोई भ्रांति हो जाए ये ध्यान में रखना, वो न होने पावे। कई बार इस तरह से बोलते हैं लोग, चित शक्ति बोलते हैं, चिन्ह मात्र नहीं, चित शक्ति, मानो चेतन भी एक शक्ति हो गई। अच्छा वो तो हो गई शक्ति, शक्ति कभी स्वरूप नहीं होती, ध्यान रखना। शक्ति शक्तिमान के आश्रित रहती है, क्रिया के संदर्भ में पहचानी जाती है, और शक्तिमान के द्वारा संचालित होती है। शक्ति की अपनी कोई दिशा नहीं होती, शक्ति की अपनी कोई नियति नहीं होती। इसलिए शक्ति शब्द का उच्चारण वेदांत में प्रकृति के लिए किया जाता है, माया शक्ति है, प्रकृति शक्ति है। और बाद में उसको जब परसानिफाई करके बताया गया तो कहा गया कि वो माँ भवानी हैं, माँ पार्वती हैं, शक्ति रूपा हैं, माता जी हैं, जानकी माता हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। ये विचित्र विचित्र भ्रांति होती है, हम लोगों को ना होए बस इसके लिए सब बातें बोलते हैं हम, किसी को हो रही है तो भगवान करेगा उसको ठीक होगा। वो कहते हैं लोग कभी कभी कि इस शक्ति के बिना तो शिव जो है वो सब है, सुना होगा शायद आपने सब। अब आप बोलो ऐसा मूर्ख लोग हैं कि शक्ति के अभाव में विशुद्ध चेतन कुछ रहा ही नहीं, क्या हो गया वो निर्जीव हो गया, बताओ। व्हाट ए स्टेटमेंट, कैन यू इमेजिन। तब लगता है कि शास्त्र के साथ कितना अनर्थ हुआ है। इसलिए भगवान शिव को भगवान बनाने वाली ये शक्ति ही है। इसलिए पहले अरे तुम्हारे भीतर कामना है उसको स्वीकार करो और माता जी के पास जाओ, जो चाहिए मांगो। लेकिन ये शिव शव क्यों बना रहे हो भाई तुम? तो चूंकि शिव जी को भी जीवन देने वाली, इसलिए उन्हीं को पकड़ो और फिर जगराता करो, शुरू हो गया। ये शक्ति
इस तरह की बातें होती रहती हैं। एक सज्जन ने कहा कि कहीं पढ़ा मैंने इसको, द्वैतवादी थे, तो बोले शंकराचार्य जी बीमार पड़े तो उन्होंने पानी मांगा किसी से, तो बोले भाई तुम तो ब्रह्मवादी हो, तो माया को तो तुम जो है वो मिथ्या मानते हो, हमारे यहाँ तो माया शक्ति है, तो अब तुम बिना माया के बिना शक्ति के देखो तुम्हारी क्या गति हो रही है। तर्क क्या है कि माया को मिथ्या नहीं मानो, माया को शक्ति होने के कारण सच मानो, उसके बिना तुम एक लोटा पानी भी नहीं ले सकते। अब ये माने पानी लेना और नहीं लेना सत्य के निर्धारण में प्रमाण है। इसका मतलब जब आपको पानी नहीं चाहिए तब माया मिथ्या है, और जब चाहिए तो सत्य। ये उपयोगितावाद हो गया कि नहीं हो गया? काम पड़ने पर ठीक है ना, वो वाक्य आ गया होगा मन में, तो ये तो यही बात हो गई। असल में इसमें सारी झंझट है शक्ति शब्द को ठीक से नहीं समझने की। इसका विवेक अभी हमने कहा, आप दृष्टांत ध्यान में रखना, उष्णता स्वरूप है और दहन उसकी शक्ति नहीं है। दहन क्रिया नहीं होती ये कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन अग्नि में दहन क्रिया करने की शक्ति है, ये बात अगर मन में आती हो तो उसको सुधार लेना चाहिए। इस पर मैं जरा आनंदगिरि जी महाराज को पढ़ना चाहता था, आप अंडरलाइन कर लेना इसको, तो बुद्धि में और दृढ़ हो जाना चाहिए। वेदांत में भी ये सब शब्द आते रहते हैं, आपको बताऊं वेदांत में एक संप्रदाय खड़ा हो गया, चित शक्ति संवित शक्ति का विलास, इस तरह से एक मत। अब विद्वान लोग, ऐसा नहीं कि वो कोई खूब पढ़े हुए लोग, उन्होंने इस तरह से कहा संवित शक्ति का विलास, चिति शक्ति का विलास। शक्ति माने व्हाट? फिर आप शक्ति शब्द का अर्थ अगर क्रिया संपादिका कोई विशेष शक्ति समझते हो तो फिर तो घोर आपत्ति की बात है, वहां तो भेद भी है विकार भी है सब कुछ होगा। फिर बोलते हैं देखो, यथा अग्न्यादि शक्ति मिला, यथा अग्न्यादि शक्ति ही शक्त्यंतरम अंतरेण, शक्त्यंतर शक्त्यंतरम अंतरेण स्व स्वभावात एव, वो शक्ति नहीं है, शक्ति के अलावा ही एक चीज है। कैसी है वो? स्व स्वभावात, वो उसका अपना स्वभाव है। क्यों शक्ति कहा उसको? बोलते हैं स्वस्वभावात एव, अपने स्वभाव में रहते हुए ही कैसी है? कार्योत्पादन अनुकूला। वह जो स्वभाव है अग्नि का वो कार्य को उत्पन्न करने के अनुकूल है। लकड़ी के जलने का जो कार्य है उस कार्य के संपादन में वो उसका स्वभाव अनुकूल है, शक्ति नहीं। आया पकड़ में? शक्त्यंतम क्या बोलते हैं? शक्त्यंतरम अंतरेण स्वस्वभावात एव कार्योत्पादन अनुकूला तथा, अब देखना इसको बहुत सावधानी से, तथा नित्य विज्ञानम,
जो चिन्मात्र सत्ता है, चिन्मात्र अस्तित्व है, तथा नित्य विज्ञानम स्वभाव सन्निधि मात्रेण, ध्यान देना इस शब्द पर, ध्यान देना, स्वभाव सन्निधि मात्रेण, अपने स्वभाव में रहते हुए उसकी सन्निधि मात्र से क्या हुआ, अंतःकरणादि प्रवृत्ति निमित्तम इति शक्ति रूपम उच्यते, इति शक्ति रूपम उच्यते। बस इतना ही है शक्ति रूप उसका, कि उसके स्वभाव की सन्निधि मात्र से अंतःकरण में प्रवृत्ति होती है। अब चूंकि कार्य हो रहा है, जैसे लकड़ी में दहन क्रिया हो रही, वैसे अंतःकरण में प्रवृत्ति क्रिया हो रही है, तो प्रवृत्ति क्रिया को देख करके हमने आरोप क्या किया, वो प्रवर्तक है एक, दूसरा उसमें प्रवर्तन करने की शक्ति है दो, अब ये भी आरोप है। सो इति शक्ति रूपे, बस शक्ति शब्द का इतना ही अर्थ समझना चाहिए, विज्ञान एव शक्ति ही, अगर शक्ति किसी को कहना हो तो ये बोलते हैं। तो प्रवचन में चूंकि लोगों को आजकल ना ऊर्जा एनर्जी एंड दिस एंड दैट शब्द बड़ा ग्राह्य लगते हैं, तो ऐसा हवा चली है कुछ, तो वो एनर्जी की भाषा बोली जाती है उन लोगों को, चाहे लाभ होता होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब वेदांत का बिल्कुल मर्म विवरण चल रहा हो, चेतन की जब मीमांसा हो रही हो, उस समय उसमें शक्ति और दिस एंड दैट ये सब शब्द तो बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। शक्ति का काम ही है कर्म करना, क्रिया करना, और क्रिया का मतलब है विक्रिया। सो कॉस्मिक एनर्जी एंड और ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, वो तो प्रकृति है, वो तो जड़ रूपा है। शक्ति को स्वयं के होने का कभी ज्ञान नहीं होता, शक्ति की स्वयं कभी दिशा नहीं होती, शक्ति हमेशा शक्तिमान के आश्रित है, शक्तिमान से संचालित है, और शक्तिमान रूप नहीं है, ध्यान रखना, शक्तिमान के आश्रित है ये। वो माया में जाता है वो लक्षण, आपने पढ़ा बिल्कुल पहले ग्रंथ तत्वबोध में पढ़ा, क्या ब्रह्माश्रया माया अस्ति ये। इसलिए भगवान नारायण के विष्णु की छाती पर लक्ष्मी जी चढ़ी रहती हैं। पुराण में अजीब सी बातें ऐसे कही जाती हैं, लोग नाराज हो जाते हैं। अब लोग नाराज हो जाएं उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो उनके वक्षस्थल पर रह के उनकी सेवा करती हैं। बोले ऐसी क्या सेवा हुई, फिर तो कोई वक्षस्थल पर चढ़ा हो वो भी। भगवान जब कहीं जाते भी हैं तो उनके छाती में शिव जी रहती हैं, ये लक्ष्मी माता रहती हैं, वो श्रीवत्स चिन्ह है, स्वर्ण रेखा के रूप में माता जी रहती हैं। लोग परेशान, छोड़ती नहीं, छोड़ती माने आश्रित वस्तु, शक्तिमान को शक्ति छोड़ दे तो बेचारी तो निराश्रय, क्योंकि वो द्रव्य रूप नहीं है, आश्रित वस्तु है। वो चित्र केतु गंधर्व था ना, वो विद्याधर, जिसको माता जी ने बाद में श्राप दिया और वृत्रासुर हुआ, वो उसने क्या देखा था कि माता पार्वती को गोद में रख के शिव जी वेदांत पढ़ा रहे हैं। उसने कहा अहो एष लोक गुरु,
ही लोक गुरु हैं, मिथुनी कृत्य ऐसा भाव लेकर के बैठते हैं वेदांत पढ़ाने। क्या कहा जाएगा, शक्ति की स्थिति यही है कि वो अलग से बैठ नहीं सकती। व्हाट टू डू, आप अपनी विचार शक्ति अपने से अलग करके दिखाओ। अपनी गमन शक्ति अलग करके अपने से दिखाओ। अपनी वदन शक्ति है ना, अपने जब आपको कहीं प्रवचन करने जाना हो आप अपनी वदन शक्ति भेज देना। ट्रैवलिंग में क्यों परेशान होना। तो ये शक्ति तो उसका रूप है आश्रित होना। सो इस शब्द को ध्यान से देखना, आत्म चेतन मात्र चिन मात्र नित्य विज्ञान शक्ति रूपे, ऐसा रहते हुए निमित्त बनता है किसका, लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्तत्वे सति। अब चूंकि वो निमित्त बना तो उसी पर आरोप हो गया, जैसे सूर्य निमित्त बनता है और उस पर आरोप हो जाता है। सो ही इज, भगवान भाष्यकार इज एक्सप्लेनिंग द फिनोमेना, फिनोमिनल अपीयरेंस, कि ये आकाश नीलिमा रहित होकर के नीला क्यों भासता है। इसी तरह से आत्म चैतन्य निर्विकार असंसारी होते हुए हाँ संसारी क्यों भासता है। निमित्तत्व सति, क्योंकि वह निमित्त है। बोले तो सभी को यह भ्रम हो जाता है। बोले नहीं, जिसको भ्रम हुआ है उसी को होगा। लोक विपरीत बुद्धिया अध्यारोपितम, अध्यारोपितम विपरीत लक्षणत्वम, लोगों को भ्रांति से यह जो विपरीत लक्षण अहम में भास रहा है ये शुद्ध रूप से अध्यारोप है। अध्यारोपितम, ये पंक्ति देखना, अध्यारोपितम विपरीत लक्षणत्वम, अहम में जो विपरीत लक्षण दिखाई देता है वो उसका स्वरूप नहीं है बल्कि वह एक अध्यारोप है। इतना ही नहीं, सुख दुखादयश्च, और जो सुख दुख का योग दिखता है ना वो भी ऐसा ही है, अध्यारोप है। अब इसका एक सीधा प्रमाण ये है कि अगर एक बार अहम से सुख का योग हो जाए तो दुख आने की जगह किधर है, और दुख का योग हो जाए तो सुख आने की जगह। तो ये तो 50 बार दिन भर में बदलता रहता है, हैं? अगर इस योग को वास्तव में योग बना दें तो फिर तो हो चुका फिर तो। लेकिन स्थिति यह है कि दिन भर में ही इतनी बार चीजें आती हैं चित्त में जाती हैं और आप फिर वैसे के वैसे वैसे के वैसे रहते हैं। अगर कोई चीज सचमुच में लग जाए तब तो आप गए और हम भी गए जनाब। उनका बह जाना यही सिद्ध करता है कि योग भासा और योग हुआ नहीं। बोलते हैं विपरीत लक्षणत्वम सुख दुखादयश्च न स्वतः, ये बोलते हैं, ये जो सुख दुखात्मक जो सुख दुख आदि चीजें मैं में भास रही हैं न स्वतः, ये उसका अपना स्वरूप नहीं है। अगर ऐसी किसी की प्रज्ञा बन जाए, आप समझते हैं जिस समय उसमें ये सब भास रहा होगा उस समय भी उस अपनी प्रज्ञा बल से वो उसका बाध करेगा। साधन काल में अभ्यास दिखाई देगा, सिद्धि काल में वो सहज हो जाएगा। और अगर ये प्रज्ञा बल नहीं है
तो वो बाध नहीं करेगा फिर उसको स्वीकार करके, तो चाहे तो फिर ये कहे कि दूर करो प्रभु, और या तो रोए है। एक ने कहा बहुत टेंशन होती है, मैं सुन रहा था आजकल जूडो कराटे बहुत होते हैं आजकल, स्पिरिचुअल जूडो कराटे, तो बोले वो जो एक रबड़ का होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जिससे रुपए को भी है, रबड़ बैंड, हाँ, बोले उसको हाथ में लेके जोर से दबाओ, उठा उठा के मारो, तो उससे जो है आपका ध्यान जो हाँ बदलेगा और वृत्ति जो है बदल जाएगी। हाँ ठीक है, मेरा उसमें कोई आपत्ति नहीं, विषयांतर तो होगा ही होगा, तो 2-4-10 रबड़ बैंड जो है अपने पास आप लोग रखा करो तो जिससे लाभ हो ठीक है। नारायण यथा, अब दूसरी बात कही अध्यारोप को, मैंने बताने के लिए कि हमारी बुद्धि में ये ठीक से सिद्ध हो जाए कि ये तो अध्यारोप ही है, यह बात बताने के लिए अब बोलते हैं आत्मदृष्टि अनुरूप अध्यारोपाच्च। देखो अगर अध्यारोप नहीं होता तो सबका अध्यारोप एक जैसा होता, सबका अध्यारोप। अब दृष्टांत देते हैं, नीलिमा का नहीं देंगे, अब नीलिमा का भी दे सकते हैं, क्यों, इस आकाश में अध्यारोप नहीं हुआ जिसमें यह शरीर बैठा है, कहाँ हुआ, देखो लालिमा का आरोप होगा, पीलिमा का आरोप हुआ, एक ने कहा आज आकाश लाल लाल हो रहा है, अपने अनुरूप आरोप करता है, दूसरा व्यक्ति वहां नहीं है, फोन पर कहीं और है, बोले नहीं हमारे यहाँ तो नीले ही है बोले नहीं हमारे यहाँ तो लाल हो गया। देखो तो आत्मदृष्टि अनुरूप, आप जहां खड़े हो उसके हिसाब से ही आपका आरोप होता है, आरोप में भी कोई एक रूपता नहीं है, ये बताना चाहते हैं। लेकिन दृष्टांत बदल दिया, बोले घनादि विप्रकीर्णे अंबरे ये नैव सवित्री प्रकाशो न दृश्यते स आत्मदृष्टि अनुरूपम एव अध्यस्यति। क्या अध्यस्यति, सविता इदानीं इह न प्रकाशयति इति, सति एव प्रकाशे अन्यत्र भ्रांत्या। बोलते हैं नभमंडल में अगर तो बादल छाए हुए हैं किसी की आंख के सामने, तो जिसकी आंख ढकी हुई है वही बोलता है कि सविता इदानी न प्रकाशयति, आज सूर्य में सूर्य प्रकाशित नहीं हुआ, हालांकि थोड़ी ही दूर पर दूसरे की नजर में वो चूंकि बादल नहीं है तो वो इसकी दृष्टि का खंडन करेगा कि ना 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 हमारे यहां तो सूर्योदय हुआ है। इससे भी सिद्ध होता है कि आप जो आरोप सूर्य पर लगा रहे हो वो अपनी अपनी जगह के अनुसार लगा रहे हो, अगर सूर्य में ही उदय अस्त की बात होनी थी तो अब इसी को एक्सटेंड कर दो दृष्टांत को, हम यहाँ कहते हैं अंधेरा हो रहा है अपनी जगह से, उसी समय अमेरिका से फोन आए तो वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे सूर्योदय हो रहा है, तो आरोप किधर गया, बोले आरोप अपनी जगह के अनुसार सब लोग लगाते हैं, ये भी सिद्ध करता है कि यह सूर्य धर्म नहीं है बल्कि आरोप है, माने सूर्य के बारे में एक ही समय लोग अलग अलग बात करते हैं,
इससे सिद्ध होता है कि ये एक आरोप है। आत्म चैतन्य के बारे में जो हमारी स्थिति है उसी के अनुसार कभी हम बोलते हैं उदासी है मैं में, कभी हम बोलेंगे आनंद है किस में, माने बुद्धि की स्थिति के अनुसार हम खड़े कहाँ हैं, बुद्धि में। तो एक बार आरोप ये लगता है, दूसरी बार आरोप ये लगता है, तीसरी बार अलग आरोप लगता है। तो आरोप में भी एक रूपता नहीं है, ये भी आपको मदद करेगा ये समझने में कि अहम में ये चीजें आरोपित हैं, वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होती तो फिर एक ही जैसी रहती, आत्मधर्म होता दुख तो दुख ही सही, सुख होता तो सुख ही सही। ये बोलते एवं इह, ठीक इसी तरह से यहां भी बौद्धादि वृत्ति उद्भव अभिभव आकुल भ्रांत्या अध्यारोपितः सुख दुखादि योग उपपद्यते। बोले बिल्कुल यहां भी दार्ष्टान्त में भी बुद्धि में जो अभिभव उद्भव होता है, आकुलता व्याकुलता होती है, भ्रांति से तत्तत अनुसार आत्मा में माने अहम में आरोप होता है। भ्रांत्या, उस आरोप का हेतु क्या है, भ्रांत्या। ये सुख दुखादि योग उपपद्यते, और इसी भ्रांति से अध्यारोपित होकर के आत्म चेतन में सुख का योग भासता है, दुख का योग भासता है, ये बोलते हैं। उपपद्यते माने इसकी व्याख्या हो सकती है, सुख दुख के योग की भी व्याख्या हो सकती है आभास रूप में। तत्स्मरणाच्च, तत्स्मरणाच्च माने प्रभु की दी हुई स्मृति से भी यही सिद्ध होता है। प्रभु माने भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही, चूंकि उसको स्मृति ग्रंथ बोलते हैं इसलिए कहा तत्स्मरणाच्च, उन्हीं की स्मृति में। ये पराशर स्मृति नहीं है, ये मनुष्य स्मृति नहीं है, क्या है ये, तत्स्मृति। तत्स्मृति माने कृष्ण स्मृति है। तत्स्मरणात् का अर्थ ऐसा, तत्स्मरणाच्च तस्य एव ईश्वरस्य एव हि स्मरणम्, उसी ईश्वर की यह स्मृति है। क्या स्मृति है, मत्तस्मृति ही ज्ञानम अपोहनम च। बोले मुझसे ही इस बुद्धि में स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है, मुझसे ही विस्मृति भी होती है। मुझसे ही माने मैं निमित्त हूं, ये मैं उसमें ज्ञान पैदा कर, ऐसा भी अर्थ करते हैं लोग, आप पढ़ेंगे ना जब टीकाएं तब देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, भगवान ने कहा कि मैं ही समय आने पर भूलवा देता हूं, तो मुझे भूल गया उसमें मेरा क्या दोष है। भगवान ने खुद अपने मुख से मुखार विंद से कहा है, क्या कहा है कि अपोहनम मत्तः, ये जो विस्मृति होती है वो मुझसे ही होती है, बस छुट्टी। और समय पर कोई चीज याद आ गई, बोले भगवान चाहते थे इसलिए याद आ गई। कोई चीज समझ में आ गई, बोले भगवान चाहते थे इसलिए समझ में आ गई। और कोई चीज नहीं समझ में आई, हम बोले वो भगवान की इच्छा, हम क्या कर सकते हैं, उनको लगा कि इस समय इसको नहीं समझने देना है तो नहीं समझने देना, बात करता हूं। कभी कभी मेरा भी मन होता है ऐसा अर्थ करने का, आप क्या समझते हो,
और क्या, जब भाव दूसरा होता है उस समय लगता है ठीक है यही ठीक है, लेकिन अंदर क्या करें, वो प्रमा है ना, वो रोकती है, बोले ऐसे बाहर बोलने के लिए बोल लो। तो वो तो निमित्त मात्रम, बुद्धि में ज्ञान अपोहन सब होता रहता है, व्यापार उसका है, वो स्वभाव की सन्निधि लेके बैठा है बस। ऐसा दोष लगने लगे आत्मदेव पर तो आपके मन में आ जाए कि इसको एक लगाऊं, लगा दिया, पूछा क्यों किया, बोले भगवान की प्रेरणा, मैं क्या कर सकता, मैं क्या बोल सकता हूं इसमें, भगवान ने कहा नहीं ये मत तह। एक सज्जन प्रयागराज में हमारे बड़े स्नेही, गीता के अभ्यासी, भक्ति जान भक्त थे भगवान के, बोले ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत्ते वेति तान विद्धि। हाँ हाँ नहीं नत्ते वाम, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत्ते वेति, ऐसे करके श्लोक है, किस अध्याय में वो भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं तो उसमें भाव ये उन्होंने कहा, पहले बाद में खोजना, उन्होंने भाव ये कहा कि मेरे भीतर जब तामसिक भाव आते हैं ना, मैं नहीं हूं दोषी उसका, भगवान ने कहा। अच्छा न तो हम तेषु ते मई, अच्छा ऐसा ही है, अच्छा तो फिर से देख लेना। तो अब वो बोले कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अगर राजसिक भाव आते हैं ना, अरे मैंने कहा यहाँ भावा का अर्थ दूसरा है, बोले आप लोग तो अर्थ ही बदल देते हो, ये बहुत गड़बड़ बात है, मैं एक बात समझता हूँ सीधी सीधी लिखी है, मेरे भीतर राजसिक भाव आया, मैं कहता हूँ भगवान का दिया हुआ आज यही करना है, तामसिक भाव आया आज लगता है यही करना है, भगवान ने दिया है तो वहां अर्थ है। दुनिया में तीन ही तरह के अस्तित्व हैं, भाव माने अस्तित्व, भावात्मक सत्ताएं हैं, कुछ तामसिक सत्ताएं हैं, कुछ रहस्यिक हैं, कुछ सात्विक हैं, वो सब की सब मुझसे ही हैं, न तो हम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में हैं। उन्होंने भाव का अर्थ मनोभाव रखा, ये मेरे भीतर जो तामसिक मनोभाव आता है वो भगवान का भेजा हुआ है और उसका अनादर मैं। तो ये होता है निमित्तम। ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।